हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अपना टारगेट है वो है जनवरी 2023 का, जो कि पेपर होना है एसएससी जीडी का। आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो अपना ये जो हम लोग यहाँ पर साल कर रहे हैं वो है 2021 का पेपर सोल्यूशन, ठीक है, एसएससी जीडी का। तो इसके हम लोगों ने टोटल 26 सेट कम्प्लीट कर लिए हैं और आज हमारा है सेट नंबर 27। जो अपनी मैथ्स की क्लास होती है वो होती है शाम 7 बजे और रीजनिंग की क्लास का होती है वो होती है शाम 8 बजे। इस सेट की मैं बात करूँ तो ये सेट 13 दिसंबर 2021 को पूछा गया था थर्ड सेट में। और इस क्लास की जो मैं PDF है आप लोगों को दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो वहाँ से आप लोग PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पेपर का आप लोग वेन्यू नेम देख सकते हो, पेपर कहाँ पे हुआ था, और 13/12/2021 को पेपर हुआ था 4 से 5:30 के बीच में। देखो जो पहले पेपर का पैटर्न था 2021 तक का जो पैटर्न था वो आते थे आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, 25 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के। लेकिन इस बार का पैटर्न चेंज हो गया, आपके एग्जाम में आने हैं 20-20 क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे 25-25 क्वेश्चन की, ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं 25 क्वेश्चन से इन्हीं ये जो 20 क्वेश्चन पूछे आने ना, इनका कॉन्सेप्ट इन्हीं से बनना है, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों ने ये सारे सेट सॉल्व कर लिए तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर की दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना, यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया। तो चलो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और देखो हमने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले जो चीज़ में कॉमन मिले उस चीज़ को यहाँ से हम लोग हटा देंगे, ठीक है ना। एक मिनट रुको, तो जो सबसे पहले कॉमन मिले उसको हटा दो यहाँ। जैसे MOMO हर जगह कॉमन मिल रहा है तो ओ तक तो यहाँ हम लोग बात ही नहीं करेंगे। इसमें एस है, इस पे टी है, इस पे आर। सर पहले आर आता है कि एस आता है? सर पहले आता है आर, बाद में आता है एस। इसका मतलब जो एक नंबर की मीनिंग है ना वो सबसे लास्ट में आएगी। क्या? हाँ, वो सबसे लास्ट में आएगी। अब देखो एक नंबर की मीनिंग को सबसे लास्ट में होगी। इस पे आर है, इन सभी में आर है, तो इस आर का काम खत्म हो गया, ठीक है। इस पे टी है, इस पे पी है, इस पे टी है, इस पे आर है। सर पहले पी आता है, टी आता है कि आर आता है? सर पहले आता है पी। इसका मतलब तीन नंबर की मीनिंग यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। तीन नंबर का काम खत्म हो गया। सर यहाँ दिया है टी, यहाँ पर दिया है आर। टी पहले आता है कि आर आता है? सर आर पहले आता है, तो 5 नंबर की मीनिंग यहाँ पर हो जाएगी, क्लियर है ना। देखो यहाँ पर टी आई लिखा है, यहाँ पर टी आई लिखा है, हटा दो। इस पे एफ है, उस पे एस। एफ पहले आता है कि एस? सर पहले आता है एफ, तो 4 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी और 2 नंबर की मीनिंग बाद में आ जाएगी। आपका क्रम क्या बनेगा? 3-5-4-2-1, और 3-5-4-2-1 आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। कहाँ पर मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है दीपक, गुरकिरण, शाहिद और विक्रांत नामक 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वे इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य बैठा है। विक्रांत दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, शाहिद विक्रांत के सामने बैठा है, गुरकिरण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग एक वर्गाकार मेज बना लो और इसके यहाँ पर और यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे, तो हमने मध्य में बैठा दिया। देखो दीपक विक्रांत के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यदि मैं यहाँ पर दीपक को बैठा दूँ, ठीक है, दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में विक्रांत है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा विक्रांत। यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा विक्रांत। और यहाँ पर देखो शाहिद विक्रांत के सामने बैठा, तो विक्रांत के सामने हो जाएगा यहाँ पर शाहिद। कौन हो जाएगा? विक्रांत के सामने यहाँ पर शाहिद हो जाएगा। बचा गुरकिरण, तो गुरकिरण कहाँ पर बैठ जाएंगे? यहाँ पर बैठ जाएंगे गुरकिरण, ठीक है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि गुरकिरण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा? तो गुरकिरण का दाहिना ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, तो कौन बैठा? विक्रांत। तो विक्रांत अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहले संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 28 का जैसे मैं दोगुना करूँगा तो 28 × 2 कितना होता है? 56 होता है। 56 मेरे में 4 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ पर देखो 60 लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखो 33 में यदि मैं 2 का गुणा कर दूं कितना हो जाएगा? 33 × 2 ये हो गया 66, और इसमें 4 ऐड कर दो तो आपको 70 मिल जाएगा। सेम आपको यहाँ पर करना है, 41 में 2 का गुणा करोगे यहाँ पर हो जाएगा 41 दूनी 82 हो जाएगा। 82 में प्लस हम लोग 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 82 4
86 ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नलिखित चित्रानुसार पी के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये आपका दर्पण लगा है। देखो जो अक्षर दर्पण के नज़दीक होगा उसे हम दर्पण के नज़दीक रखेंगे, ये अक्षर जो दर्पण से दूर है ना तो सबसे इधर किनारे और आएगा। ठीक है ना, तो लास्ट में तो एच आना है, एच प्रकार का, टी तो आना नहीं, ये दो ऑप्शन तो अपने गलत हो गए। इसके बाद देखो यहाँ पर ओ है तो ये भी दूर है तो यहाँ पर ओ बन जाएगा। अगर इधर से देखें तो टी जैसे वैसे रहेगा, ओ जैसे वैसे रह जाएगा। इसके बाद नाइन यहाँ पर है ना तो नाइन किस प्रकार का बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एक। दूसरा तरीका मैंने आपको कई बार बताया, जैसे आपको वहाँ पर मतलब एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा रफ करने के लिए, तो आप लोग वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये आपका वहाँ पर पेपर मिल गया तो अपने पेपर में एक साइड लिख लेंगे ये वाला पूरा जितना ये लिखा है ना, एक मिनट, जितना ये सारा लिखा है ना आप लोग इसको यहाँ पर लिख लेना, कागज़ को पलट कर देखना, जो चीज़ आपको दिख जाए ना वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी आप लोग इसको कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 147 ml आयतन वाले एक जग को 11 ml, 17 ml और 23 ml आयतन वाले तीन गिलासों की न्यूनतम संख्या का उपयोग करके पानी से भरा जाना है। ठीक है, गिलासों का उपयोग केवल उनके पूर्ण आयतन के साथ ही किया जाना है और प्रत्येक गिलास का उपयोग कम से कम एक बार किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, एक बार तो आपको इसको यूज करना है एक गिलास को। ठीक है ना, इन तीनों गिलासों का उपयोग करके जग को पूरा भरने के लिए कम से कम कितने गिलासों की आवश्यकता हो। ठीक है ना, अगर मैं पहला गिलास ले लूं तो इससे कितना एमएल पानी जाएगा, 11, सेकंड वाले से 17 और थर्ड वाले से कितना हो जाएगा, 23। यदि मैं तीन गिलास की बात करूँ तो टोटल कितना पानी हो जाएगा, 7, 3, 10, 1, 11 की 1, 2, 2, 4, 1, 5 कितना हो गया, 51 हो गया कि नहीं, 51 ml हो गया कि नहीं पानी। टोटल भरना कितना है, 147 ml। कितना, 147 ml भरना है ना। एक काम करो, 51 का यदि मैं 3 गुना करूँगा 153 हो जाएगा। ऐसा करो कि 51 ये भर लिया, इसके बाद 3 बार इसको और कर लो, एक गिलास से फिर भर लो, फिर इससे भर लो, फिर इससे भर लो। ठीक है ना, कितने गिलास हो गए, टोटल 6 गिलास हो गए ना। तो ये कितना हो जाएगा, 51 दूनी 102 हो गया, 102। अब क्या करो, इन दोनों से स्टार तुम लोग यहाँ से कर रहे हैं ना, इससे भरवाओ तो ये कितना हो जाएगा, 7, 1, 8, 1, 1, 2 कितना पानी, सॉरी इसमें क्या वो करना है, पानी ही तो है, तो यहाँ पर 28 ml पानी और हो जाएगा। कितने गिलासों से भर लिया हमने, 2 गिलासों से, तो ये कितना हो गया, 8, 2, 10 की 0 हासिल 1, 2, 1, 3 यहाँ पर कितना हो गया। अब बताओ पानी बचा कितना भरने के लिए, 130 तो भर गया, भरना कितना है, 147। अब बताओ किससे भरेंगे 147 पूरा हो जाएगा, सर ये सेकेंड वाले से और भर दो, तो हमने क्या किया, इससे यहाँ पर पानी और भर दिया, तो टोटल पानी हो गया 157 ml। और एक बार जग का यूज और किया या एक बार गिलास का यूज और किया, देखो पहले हमने 8 बार कर लिया, अब एक बार कर लिया, टोटल कितने बार हो गए, 9 बार। ठीक है ना, मतलब 9 गिलासों का हमने यहाँ पर यूज किया है। आगे देखो यहाँ पर है क्रप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, क्या कहा, वह मेरे भाई की पत्नी के इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। देखो यहाँ पर पूर्वी ने क्या कहा है, पूर्वी की बात सुनते हैं जो पूर्वी ने कहा है, तो यहाँ पर पूर्वी लिख लेते हैं। पूर्वी ने कहा है कि यह मेरे भाई की पत्नी के इकलौते बेटी के दादा का बेटा है। इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया, पूर्वी का क्रप से क्या संबंध है, मतलब पूर्वी कौन है क्रप की, देखो ये कौन है, ये हो गई बहन। ठीक है, अच्छा अभी पूर्वी का ये नहीं पता चल रहा है पूर्वी मेल है कि फीमेल, क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा है कि अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम नाम से उसके जेंडर का डिफाइन नहीं करते, अगर यहाँ पर भाई का ऑप्शन होता तो फिर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, इस वजह से इन्होंने भाई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर किसका ऑप्शन है, बहन का, तो यहाँ पर बहन राइट हो जाता, अगर बहन ऑप्शन में ना होता भाई होता तो फिर वो भाई राइट हो जाता। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं क्योंकि आपको दिख ना रहा होगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है कि दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज को खोलने पर किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, आपको अब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, चलो
यहाँ पर क्या किया गया है कि सबसे पहले हमने कागज़ को कुछ इस प्रकार से फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड करने के बाद हमने इस प्रकार से इसको फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड करने के बाद हमने एक कट यहाँ पे लगाया और एक कट यहाँ पे लगाया। तो जब ये खुलेगा तो किस प्रकार का फिगर बनेगा, आपसे ये आपको ये बताना, ठीक है। तो एक कट देखो यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर कट हो जाएगा, ये वाला कट एक कट इस साइड जाएगा, जैसे ये पलटा जाएगा तो एक कट यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर एक कट ऐसे हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको फिगर कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में सेम इसी प्रकार का आपको फिगर दिख रहा है, पर इस वाले में क्या कमी, इस वाले में देखो इसमें इस प्रकार का बीच में बनना चाहिए, बल्कि इस वाले पे क्या है, इस वाले पे इस प्रकार से बनाया गया, ठीक है, इस वजह से गलत है। इस ये क्यों गलत है सर, जो इस प्रकार का ये बना हुआ है वर्ग आयत टाइप का, वो यहाँ पर भी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट है जबकि होने चाहिए टोटल चार पॉइंट, इस वजह से ये गलत है, ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला है माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का किससे। अच्छा देखो, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत है ना, और नोबेल क्या है, नोबेल सर पुरस्कार है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे अगला है, उस अक्षर के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखो पी आर ओ यहाँ पर क्या है, यू सी, और यू सी दिख रहा है, अच्छा यू के बाद क्या आएगा, सी आएगा, यू के बाद क्या आएगा, यहाँ पर सी आएगा, और डी का दो स्थान छोड़कर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो डी का दो स्थान छोड़ दो क्या आएगा, टी। अच्छा यहाँ पर आर के पहले क्या आ रहा है, आर के पहले पी आ रहा है, यहाँ पर एक चीज देखो क्या बन गया, पी आर ओ डी यू सी टी, क्या बन गया, प्रोडक्ट, इसको भी बना लो पी आर ओ डी यू सी टी, पी आर ओ डी यू सी टी, ठीक है। क्या बना जाएगा, ओ डी टी पी सी टी यू सी, किस ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो यहाँ पर दिया गया है 13, 7, 6, यहाँ पर 19, आगे कितना है, यहाँ पर दे रहा है 25। अब इसमें क्या करें बताओ, पहले तो ये घट रहा है, घटने के बाद फिर यहाँ अचानक से बढ़ रहा है, क्या करोगे इस पर, है कुछ लॉजिक, हाँ फिर एक लॉजिक तो है, ये 13 से यदि हमें 7 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 13 × 0.5 + 0.5, दो कितना हो जा रहा है ये, 13 × 0.5 + अच्छा यहाँ पर माइनस कर दो, क्योंकि 13 × 0.5 होगा 6.5, कितना होगा 7, 6.5 होगा ना, हाँ इस पर हमें प्लस करना पड़ेगा, तो 6.5 में हम लोग प्लस 0.5 करेंगे, कितना मिल जाएगा हमें, 7 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इस पर कर दो 7 × 1 − 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। इसका मतलब आगे इस वाले पे क्या होगा, इस वाले पर होगा सर 6 × 1.5 + 1.5, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 × 3 = 9, ठीक है, ये कितना 15 × 6 = 90, 9 हो जाएगा, 9 में 1.5 ऐड करो कितना मिल जाएगा, 10.5, ठीक है। आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 10.5 × 2 − 2, ठीक है, ऐसे कर लो कितना आएगा, 21 − 2 = 19 मिल जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.5, तो 10.5 अपना राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 19 देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 19 वाला कहाँ लिखा गया, आगे सीरीज में लिखा गया है। आगे चलते, इसमें है कि उस वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि तीनों सम के रिलेशन होने चाहिए, क्या है, तीनों सम के रिलेशन होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सरीसृप और स्तनधारी का देख लो, तो स्तनधारी सरीसृप तो होते नहीं है, तो ये तो होगा नहीं कुछ में। यहाँ पर देखो महिलाएं और बहनें, तो माताएं और बहनें कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और महिलाएं इस प्रकार से हो जाएंगी, ठीक है, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा इस हिसाब से। इसका देख लो, अभियंता, निरक्षर और शहरी निवासी, अगर वो अभियंता है तो निरक्षर नहीं हो सकता है, निरक्षर है तो अभियंता नहीं हो सकता, अभियंता मतलब इंजीनियर है तो अनपढ़ कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसमें किसका रिलेशन आएगा, नो का रिलेशन आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ विद्यार्थी
कर्मचारी हैं, अंशकालिक कर्मचारी हैं, कुछ अंशकालिक कर्मचारी विद्यार्थी हैं, कुछ अंशकालिक कर्मचारी लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां अंशकालिक कर्मचारी हैं, और कुछ विद्यार्थी लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ओ जेड सी टी अनुपात जे ए एक्स जी सम अनुपात एम आर डी वाई अनुपात। आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पर जे का विपरीत क्यों का विपरीत जे लिखा गया है, जेड का विपरीत ए लिखा गया है, सी का एक्स, पी का जी, सेम कर लो। एम का विपरीत एन हो जाएगा, आर का विपरीत यहाँ आई हो जाएगा, डी का विपरीत हो जाएगा डब्लू, वाई का विपरीत हो जाएगा कितना हो जाएगा वाई का, ये हो जाएगा बी। तो क्या बनेगा, एन आई डब्लू बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे अगला आपको यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। तो बताओ जल्दी से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं। देखो ये लाइन जहाँ से इस प्रकार से मिल जाएगी, ध्यान देना, ये लाइन यहाँ से इस प्रकार से मिल जाएगी, इसकी बात करें तो ये यहाँ से मिल के, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर हो जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, ये लाइन सीधी है, ध्यान देना। और देखो इसके बाद ये जो है ये वर्ग कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा। और देखो एक लाइन इस प्रकार से खींची गई है ना, तो ये लाइन यहाँ पर कैसी हो जाएगी, ये लाइन यहाँ पर ऐसी हो जाएगी। क्लियर, ये लाइन यहाँ पर ऐसी हो जाएगी और ये लाइन को इससे आप लोग मिला दीजिएगा, तो इस प्रकार से जो आपका फिगर बनेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन रहा है ऐसे का, तो आप लोग देखेंगे कि सेम ऐसे का जो फिगर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विशिष्ट कूट भाषा में स्टोर, क्या स्टोर को लिखा गया है 8712922 और प्योर को लिखा गया है 1669-22, ठीक है। उसी कूट भाषा में ए डबल एस यू ई आर ई डी को क्या लिखा जाएगा। अच्छा एक से देखो, एच का विपरीत क्या होता है सर, एच होता है ना, देखो एच का कोड यहाँ पर लिख दिया है 8, टी का कोड 20 होता है यहाँ पर लेकिन लिखा है 7, मतलब टी का विपरीत क्या होता है जी, मतलब विपरीत के कोड लिखे गए हैं यहाँ पर। देख लो पी का कोड 16 होता है, पी का विपरीत क्या होता है के होता है, के का यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है 11, तो वैसे ही आपको इसका कोड लिखना है ए डबल एस यू आर ई डी। तो ए का विपरीत जेड होता है तो जेड का कोड हो जाएगा 26, एस का विपरीत क्या होता है एच होता है तो एच का होता है 8, यू का विपरीत एफ होता है इसका कोड हो जाएगा 6, आर का विपरीत 18 होता है तो इसका हो जाएगा 9, आई आर होता है ना, और इसके बाद ई है, ई का विपरीत वी होता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22, और डी का विपरीत क्या होता है डी का डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू कोड हो जाएगा 23। तो इस प्रकार का जो कोड बनेगा वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर, क्या मैंने सेम क्वेश्चन लगा दिया, हाँ सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो अंक 5 वाले फलक के विपरीत पर हो। चलो सिंगल कॉमन देख लो, यहाँ पर 5 लिखा है, क्लॉकवाइज हम लोग घूम जाएंगे, 5 के बाद 1 मिलेगा, यहाँ 3 मिल जाएगा। इस पे बात करें तो यहाँ 2 है, 2 के बाद 4 है, यहाँ पर 5 देखो, 5 के बाद 2 है, 2 के बाद क्या है 4 है, तो यहाँ पर 3 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा जो बचा, क्या बचा 6, 5 के विपरीत हो जाएगा 6। क्लियर है ना। आगे अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कार को सी ए आर को लिखा जाता है एक्स जेड आई, यहाँ पर भी देख लो क्या लिखा गया, सबका विपरीत लिखा गया, टॉप को टी का जी लिखा गया है, ओ का एल लिखा गया है, पी का के लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर भी विपरीत लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है फादर को क्या लिखा जाएगा, एफ ए टी एच ई आर, देखो एफ का कोड होता है, डायरेक्ट विपरीत बता दो, एफ का विपरीत हो जाएगा यू, ए का विपरीत हो जाएगा जेड, टी का हो जाएगा जी, एच का हो जाएगा एस, ई का हो जाएगा वी, आर का हो जाएगा आई। इस प्रकार का आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट, तो यहाँ पर डिजाइनर और आर्किटेक्ट में आप लोग देख लो कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको डिजाइनर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आर्किटेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो नर्स से नर्स कट गया, डॉक्टर से डॉक्टर, यहाँ पर किसका रिलेशन आएगा, कुछ डिजाइनर क्या हो जाएगा, कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर पहला तो राइट है, इसके बाद कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं। देखो तीनों कथन पॉजिटिव हैं, जबकि ये निगेटिव लिखा गया, इसका मतलब ये तो पहले ही गलत हो, क्योंकि पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव निष्कर्ष निकलता है और निगेटिव कथन का निगेटिव निष्कर्ष निकलता है, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आगे आपको बताना है कि ये जो आपको फिगर दिख रहे हैं,
जो आपको फिगर दिख रहा है कि किस ऑप्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4th। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें है कि फेस्टिवल को लिखा जाता है कूट भाषा में फेस्टिवल को लिखा जाता है UTUTFGMBWJ। तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको क्या है ये एफ। अच्छा ये विपरीत तो लिखा नहीं गया ना, चलो FESTIVAL देख लेते हैं क्या लिखा गया इसको UTFGMBWJ, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखो इसको दो पार्ट बना लो, ऐसे करना, बन गया। एफ का कोड होता है 6, जी का कोड होता है 7, प्लस 1 हो रहा है। ई का कोड 5 होता है, एफ का कोड 6 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, ठीक है। एल का कोड 12, एम का 13, ए का 1, बी का 2, वी का 1, 22, डब्ल्यू का 23, आई का 9, जी का 10। मतलब इनमें क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। तो इस पे क्या है, MAJESTIC, ठीक है। चार चार का गैप बना लो। ई के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा। जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। ए के बाद बी आएगा। एम के बाद एन आएगा। सी के बाद यहाँ पर डी, आई। आई के बाद यहाँ पर जे, टी के बाद यहाँ पर यू, एस के बाद यहाँ पर टी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 6, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस पे आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। यहाँ पर लिखा है 7, 13, 25, 43 क्वेश्चन मार्क और 97। जल्दी से बताओ, देखो देख लेते हैं इसको। 7, 6, 13, 6 का अंतर आ रहा है। आगे कितने का अंतर आ रहा है, देखो 5 से 3, 12 का अंतर आ रहा है। आगे अंतर देखेंगे तो 13 में 5 जाएगा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा 18। देखो 6, 12, 36, 18, 6, 4, 24, अंतर कितने का आएगा, 24 का। आगे का अंतर आ जाएगा 30 का। तो 4, 3 यहाँ पर 7 हो गया, 4, 2, 6 हो गया, 67 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है, 1 असंगत है, उस असंगत अक्षर का आपको चयन करना है, ठीक है ना। क्या करना है, असंगत अक्षर का आपका आपको चयन करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर HOT, LIP, MRF और POD, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस पर एक वॉवेल है, इस पर एक वॉवेल है, इस पर एक वॉवेल है, इस पर कोई वॉवेल नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसे भी इस पर संगत संगत देखते हैं। यहाँ पर देखो, KLMNOPQR एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द मेज के केंद्र की ओर पीठ करके बैठा है, ठीक है। 8 लोग हैं और मेज की ओर पीठ करके, मतलब मुंह सब इस बाहर की ओर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, 8। चलो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो हार है वो यम के बाएं ओर ठीक बगल में बैठे, आर एम के बाएं ओर ठीक बगल में है, जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, क्यों एल और एन के बीच में बैठा है, आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एम और पी के बीच में कौन बैठा, आपको ये बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो के पी के, यहाँ पर देखो आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा लेंगे, यहाँ पर एम के बाईं ओर ठीक बगल। अच्छा देखो, इसका मुख अगर बाहर की ओर है तो M के बाईं ओर यहाँ पर R बैठेगा, यहाँ पर R हो जाएगा। जो P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं, कौन, जो किसके लिए, M के लिए। ये है किधर, ये है P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो P यहाँ बैठा दे, पहला बाया इसका ये हो जाएगा, दूसरा बाया ये हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा। आगे देखते हैं के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठे, अगर के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, क्यों L और N के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे देखो, L और N के बीच में, तो क्यों, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिक्स है, L और N यहाँ पर आएंगे, और ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, कौन, L और N। आगे देखते हैं, R L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, R है। यदि हम L को यहाँ पर बैठा दें, एल के दाएं और दूसरे स्थान, पहला ये दूसरे स्थान, अब आर यहाँ पर होगा, इसका मतलब यहाँ पर कौन है, एन है। बचा कौन, बचा सर ओ। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एम और पी के बीच में कौन बैठा है,
तो आप लोग देख सकते हैं कौन है ओ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का है ना, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है तो दिए गए व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना। देखो 50 लिख लेंगे, ए का अर्थ यहाँ पर प्लस है 19 लगा लेंगे, बी का अर्थ माइनस है तो माइनस साइन, यहाँ पर 36, डी का अर्थ भाग है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे सी लिखा है, सी का अर्थ गुणा है, इसके बाद 3 है, ए का अर्थ प्लस है, यहाँ 15 है, ए का अर्थ प्लस है, यहाँ पर 10 है, डिवाइड 5, ठीक है ना। चलो यहाँ पर 5 दूनी कितना हो गया, इसका आंसर हम लोग का आएगा 2, ठीक है। इस पे देखेंगे 2 से कटेगा 18 आएगा, 18 त्रिको कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 त्रिको 54, देखो 50 यहाँ पर है, 54 यहाँ पर है, ये प्लस में ये माइनस में, कितना आएगा माइनस 4, 19 से माइनस 4 घटाएंगे कितना आएगा प्लस का 15, आगे यहाँ पर फिर 15 है, फिर आगे कितना है 2 है, 15 15 30, तो 32 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखो H है, H के बाद F है, फिर D। अच्छा देखो यहाँ पर सब में माइनस 2 हो रहे हैं ना, सब में माइनस 2 हो रहे हैं, D से माइनस 2 करेंगे B मिलेगा, B से माइनस 2 करेंगे Z मिलेगा, आगे यहाँ पर देखते हैं Z से माइनस 2 X मिल गया, X से माइनस 2 V मिल गया, वैसे यहाँ कर लो। K है, K के बाद क्या मिला M मिला, M के बाद O, O के बाद Q, मतलब यहाँ पर प्लस 2 हो रहे हैं, तो Q के बाद प्लस 2 करेंगे S मिल जाएगा, तो जेड एस अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है, क्या जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच, एक मिनट रुक जाना। वन मिनट, माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मेरा, गिर रहा है बार बार। चलो यहाँ पर देखो 64 51 38 ना, देखो यहाँ पर 64 51 और 38, एक बार इसका अंतर देख लो कितने का आ रहा है, 13 का आ रहा है, इस पर भी अंतर कितने का आ रहा है, इस पर भी सर अंतर 13 का आ रहा है, इस पर देखो कितने का अंतर आ रहा है, सर इस पर आ रहा है 54 से इसको माइनस करेंगे तो 9 का अंतर आ रहा है, आगे तो सर बहुत बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, इस पर सर 30 का अंतर आ रहा है, इस पर 20 30 60, ठीक है 30 4 34 का अंतर आ रहा है, इस पे देखेंगे तो 22 28 का अंतर आ रहे हैं, आगे देख लो कितने का अंतर आ रहा है 9 29 का अंतर आ रहा है, लेकिन इस पे दिन देखें तो 6 का अंतर आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है 6 का अंतर, मतलब सेम अंतर किस पे आ रहे हैं इस पे, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए, और अपनी अगली क्लास किसकी है मैथ की है, तो मैथ की क्लास में 8 बजे से आना ना भूलना। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मैथ्स की क्लास में, ठीक है ना। अगर कोई आपको क्लास में डाउट लग रहा है तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ की रही बात तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लियर है। तो फिर अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।